Good morning student. Today we will start chapter number 5, algebraic expressions. In this chapter we will start exercise 5f. From start the exercise we will discuss some identities. Here we use in this exercise two identities, a plus b whole square and a minus b whole square. First of all, a plus b whole square equals to a square plus b square plus 2ab. क्लियर? 2ab आगे भी लिख सकते हो, b स्क्वायर पीछे भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर. एंड a माइनस b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड माइनस 2ab. ओके, ओनली माइनस किसके आ गया, 2ab के आ गया. ओके, नाउ एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1. राइट डाउन द स्क्वायर ऑफ दिस. हमने क्या फाइंड करना है, इन नंबर्स का स्क्वायर फाइंड करना है. स्क्वायर फाइंड करना है मीन्स 5c प्लस 2d का होल स्क्वायर फाइंड करना है. ये क्या बन गया, ये a हो गया और ये लेट कर लो आपका क्या हो गया, b. और सेंटर में कौन सा साइन है, प्लस. देन a प्लस b होल स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है, मैंने अभी ऊपर बताया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, a square plus b square plus 2ab. then here a क्या आपका 5c and b क्या आपका 2d. then 5c का square plus 2d का square plus 2 into 5c into 2d. क्लियर? 5c का होल स्क्वायर मीन्स 5 का भी स्क्वायर एंड c का भी स्क्वायर. मीन्स 5 5 ज़ा 25, सी स्क्वायर प्लस 2d का होल स्क्वायर 4d स्क्वायर प्लस 2 5 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, cd. ये आपका क्या आ गया, आंसर. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सेम. 1/2 a^4 प्लस 1/3 b^7. हमने इसका भी क्या फाइंड करना है, स्क्वायर. इसका स्क्वायर फाइंड करना है मींस हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, इसका स्क्वायर लिख लेंगे ना. तो यहाँ पे a हमारा क्या हो गया, 1/2 a^4 प्लस एंड b क्या हो गया, 1/3 b^7. एंड आइडेंटिटी कौन सी यूज़ होगी, सेम, a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. देन a क्या आपका 1/2 a^4 होल स्क्वायर प्लस b 1/3 b^7 का स्क्वायर प्लस 2 into a, मीन्स 1/2 a^4 एंड b इज 1/3 b^7. यहाँ पे ए बी ऑलरेडी है, आप यहाँ पे अगर कन्फ्यूज ना हो आप एक्स वाई ले लो, कोई भी नेम ले लो, डजेंट मैटर. क्लियर? नेक्स्ट 1/2 का होल स्क्वायर मीन्स 1/4 a^4 ऑलरेडी गिवन है और उसका स्क्वायर करना है, मीन्स 1/8 प्लस 1/9 b^14, क्योंकि 7 2 ज़ा 14 प्लस, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, देन आप कैंसिल कर सकते हो, a^4 एंड b^7 और अपॉन 3. क्लियर? आइडेंटिटी वही है बेटा, आपने यहाँ पे लिख देनी है उसकी. ओके, नेक्स्ट. अब ये क्या है, 1/5 pq माइनस 1/2 q^6. इसका हमने क्या फाइंड करना है, सेम स्क्वायर. तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे. अब ये क्या है, नेगेटिव फॉर्म में है ना, 1/5 p^5 एंड b इज 1/2 q^6 एंड ये नेगेटिव है. देन a माइनस b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. देन हम यूज करते हैं 1/5 p^5 स्क्वायर प्लस 1/2 q^6 का स्क्वायर माइनस 2 a क्या है हमारा, 1/5 p^5 एंड b इज 1/2 q^6. 1/5 स्क्वायर मीन्स 1/25 p^10 प्लस 1/4 p^12 माइनस 2 से 2 कैंसिल,
पी की पावर 5 क्यू की पावर 6 अपॉन 5। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई 1/3 5 अपॉन 5a माइनस 10b। यहाँ पे हमें ऑलरेडी स्क्वायर क्या है गिवन है, वहाँ पे हमें लिखा होता था राइट डाउन द स्क्वायर, यहाँ पे हमने क्या है ऑलरेडी स्क्वायर गिवन है। तो सेम बेटा यहाँ पे a और b हैं तो हम क्या ले लेते हैं जस्ट x 3/5a एंड b y हमारा क्या हो गया 10b। ठीक है, तो आइडेंटिटी सेम, x माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। क्लियर। देन फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस सेकेंड नंबर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड मीन्स एक्स एंड वाई। क्लियर। देन 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, ए स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 100, बी स्क्वायर माइनस 5 टू ज़ा 10, देन 2 टू ज़ा 4, 3 ज़ा 12 ए बी। क्लियर है, सेम ही है बेटा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग आइडेंटिटी ऑफ स्क्वायर इवेल्यूएट। क्या करना है, स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ करके इसको सॉल्व करना, मींस डायरेक्ट 59 into 59 नहीं करना, मल्टीप्लाई सिंपल नहीं करना। देन 59 को इस तरीके से लिखना है बेटा हमने, ताकि ये हमारे पास ईजी कैलकुलेशन है। 59 का ईजी लिखने का वे नियरेस्ट क्या होता है 60 - 1, स्क्वायर तो सेम ही रहेगा ना। तो अब ए हमारा क्या हो गया 60 और बी क्या हो गया 1, और कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। देन फिल द वैल्यूज बेटा, ए क्या है 60 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 60 into 1, है ना। देन 3600 प्लस 1 माइनस 120 दैट इज इक्वल्स टू 3601 माइनस 120, और दोनों का माइनस करके क्या आएगा 3481। क्लियर है, सिंपल। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं इफ एक्स प्लस 1/x इक्वल्स टू 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एंड एक्स 4 प्लस 1/x 4। तो सबसे पहले हमने कौन सी फाइंड करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। बेटा स्क्वायर वाल तब फाइंड होगा जब हम यहाँ पे क्या करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे ना। मीन्स हमारे पास गिवन क्या है एक्स प्लस एक्स 1/x इक्वल्स टू 5, अब स्क्वायर चाहिए यहाँ पे दोनों नंबर्स के ऊपर, तो क्या कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो दोनों तरफ क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। देन यहाँ पे ए क्या हो गया हमारा एक्स मीन्स एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 into a into b इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25। देन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एक्स से एक्स बेटा कैंसिल प्लस 2 इक्वल्स टू 25, और 2 कम क्या लेगी राइट हैंड साइड में लेगी, देन क्या आएगा माइनस, देन 25 - 2 विच इज इक्वल्स टू 23। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 23। और अब हमने फाइंड क्या करना है एक्स 4 प्लस 1/x 4, मीन्स अब और पावर 2 करनी पड़ेगी, तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं ना, क्योंकि स्क्वायर की पावर स्क्वायर करेंगे देन 4 ना, देन स्क्वायरिंग अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है ना, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल्स टू 23 का स्क्वायर, यस और नो। देन ये हमारा क्या हो गया अब एक्स स्क्वायर और बी क्या हो गया 1/x स्क्वायर। देन ए का स्क्वायर मीन्स एक्स 4, बी का स्क्वायर मीन्स आप यहाँ पे ऐसे लिख लो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 into a square into b square एंड 23 का स्क्वायर इक्वल्स टू 529। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया एक्स 4 प्लस 1/x 4 एक्स स्क्वायर से एक्स के कैंसिल बेटा प्लस 2 इक्वल्स टू 529। ठीक है ना,
अब ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि इसकी तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है। देन 529 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 527, तो एक्स फोर प्लस 1 बाई एक्स फोर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 527। क्लियर है ना। नेक्स्ट अप इज क्वेश्चन नंबर 9। इफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9 एंड एक्स वाई इक्वल्स टू 16, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अब हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है कि हमें एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की वैल्यू चाहिए, तो ये तभी पॉसिबल है अभी यहाँ पे अगर क्या करते हैं, स्क्वेयर करते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा। एक्स प्लस वाई हमारे पास क्या गिवन है, 9, तो यहाँ पे अगर स्क्वेयर चाहिए तो सेम स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्केयरिंग करेंगे। देन एक्स प्लस वाई होल स्क्वेयर इक्वल्स टू 9 स्क्वेयर, है ना। देन ये ए क्या हो गया हमारे पास x, और b क्या हो गया वाई, और a प्लस बी होल स्क्वेयर इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, ठीक है ना। देन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू 9 स्क्वेयर इक्वल्स टू 81 ना। देन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy इक्वल्स टू 81। तो इसकी तो वैल्यू फाइंड करनी है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की, बट एक्स वाई की हमारे पास गिवन है। देन एक्स वाई की वैल्यू क्या हमारे पास 16 ना। देन 2 इंटू 16 इक्वल्स टू 81। देन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 32 इक्वल्स टू 81। देन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 81 माइनस 32 दैट इज इक्वल्स टू 41। तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, सॉरी 49, ठीक है ना। ओके।